जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज यहां पे ऑटो एक्सपो में ना टाटा ने यहां पे डिस्प्ले करी है अपनी योद्धा की सीएनजी। भाई आज ना हम लोग इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि टाटा योद्धा सीएनजी जो मार्केट में आने वाली है उसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या इंजन है, क्या स्पेसिफिकेशन है, हम सारी डिटेल इसके गाड़ी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं टाटा के योद्धा के इंजन के बारे में। भाई 2200 लीटर का हमें यहाँ पे सीएनजी का इंजन देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंजन है ये भाई वेरिकोर इंजन है। तो वेरिकोर इंजन आता है 4 सिलेंडर पे, जिसकी पावर आती है 110 एचपी की और टॉर्क ये जनरेट करता है 240 न्यूटन का। अब भाई गाड़ी में ना फ्रंट में अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट कुछ इसका इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमें यहाँ पे हेलोजन लैंप का सेटअप देखने को मिल रहा है साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ में कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ में अगर फॉग लैंप पे नज़र मारे तो कुछ फॉग लैंप हमें ऐसा आ रहा है विद यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर का हमें यहाँ पे सेटअप देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पे इस तरीके का फॉग लैंप है। आप यहाँ पे नज़र डालिए बम्पर पे, भाई मैट फिनिशिंग में हमें यहाँ पे बम्पर देखने को मिल रहे हैं विद यहाँ पे सिल्वर फिनिश में हमें ग्रिल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। और भाई टाटा का कहीं ना वो जो ट्राई एरो डिज़ाइन है ना वो भी यहाँ पे इसके ग्रिल पे रिजेम्बलेंस दे रहा है कुछ इस तरीके से। भाई ये गाड़ी है, एक बार ना आपको मैं गाड़ी के साइड में लेके चलता हूँ और इसका टायर प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो टायर में अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे अपोलो के टायर देखने को मिल रहे हैं जो कि है भाई 16 इंच के टायर कुछ इस तरीके से। ये भाई टायर हैं और गाड़ी में ना देखने लायक है गाड़ी का व्हील बेस। आप देखिए भाई कितना लंबा इसका व्हील बेस है, वाइड व्हील बेस है, तकरीबन 3330 mm का गाड़ी का व्हील बेस है। अब ये कुछ हुआ और इसका पेलोड अगर मैं बात करूं भाई 1.8 टन का पेलोड के साथ में ये गाड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब साइड में यहाँ पे एक नज़र डालने वाली जो चीज़ है ये भाई अलॉय व्हील के साथ आ रहा है। आप देख रहे हैं कमर्शियल के अंदर भी भाई अब अलॉय व्हील्स यहाँ पे आने शुरू हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे टाटा की रेंज है योद्धा पे। अब इसका फ्रंट का फेंडर देखते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर मैट फिनिशिंग के साथ हमें देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे फ्रंट का जो फेंडर हमें देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे हमें दो दो इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर मिल रहा है, एक यहाँ ORVM पे इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, साइड टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे ORVM है जो कि भाई मैनुअली एडजस्टेबल है कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे दिखाएगा। अब एक चीज़ और है, ये भाई यहाँ पे आप फुटरेस्ट देखिए, काफ़ी अच्छा वाइड इसका फुटरेस्ट है। 2200 cc के इंजन के साथ में ये गाड़ी हमें कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लीफ स्प्रिंग्स की तो फ्रंट में आगे हमें जो यहाँ पे लीफ स्प्रिंग देखने को मिल रही है ना वो 7 कमानी आगे मिल रही हैं और 9 कमानी हमें पीछे मिल रही हैं। तो ये 9 कमानी का सेटअप है पीछे को और आगे है हमें यहाँ पे 7 कमानी देखने को मिल रही हैं। ये रहा, एक बार रियर पे लेके चलते हैं और रियर पे बात करते हैं। तो भाई ये कार्गो बॉक्स आप देख सकते हो, ये था रियर में आप आइए। तो योद्धा में ना आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, ये यहाँ पे योद्धा 2.0 का बेज है और ये बेज जो देखने को मिल रहा है ना हमें, ये हमें पीछे भी देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी क्या है कि गाड़ी का जो पेलोड है भाई 1.8 टन एज ऑफ नाउ। तो आने वाले टाइम में ना टाटा योद्धा का जो प्लान है कि दिसंबर तक जब ये गाड़ी को वो लॉन्च करेगा तो 2 टन के पेलोड कैपेसिटी में लॉन्च करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बेज दे रखे हैं। अब एक बार ना हम चलते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर में, देखते हैं कि गाड़ी कैसी है दिखने में। हमें यहाँ पे लाइट्स का सेटअप देखने को मिल रहा है, रियर बम्पर गार्ड ये हमें कुछ इस तरीके से ऐसे देखने को मिल रहा है, ये पार्ट हुआ रियर में। अब एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ और एक बार गाड़ी को मैं अंदर से एक्सप्लोर करवाता हूँ। भाई योद्धा को अगर अंदर से देखें ना कुछ इस तरीके से ये हमें यहाँ पे सेटअप देखने को मिल रहा है। पहली नज़र डाली है भाई ये गाड़ी जैसा यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स का हमें फिनिशिंग देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे मिरर की एडजस्टमेंट का हो गया, तो भाई ये ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये बॉटल होल्डर आ गया, प्लस ये भाई सीट्स हमें कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ना भाई बिल्कुल गाड़ी जैसा फील आ रहा है, जैसा पर्सनल प्रोडक्ट होता है ना। ये यहाँ पे इसका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गया कुछ इस तरीके से, स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हैं वॉइस कमांड के साथ में ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका इन्फोटेनमेंट भाई एज ऑफ नाउ ये यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है, बट कह नहीं सकते भाई, अगर ये होगा तो बहुत बढ़िया है। इस इन्फोटेनमेंट में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं।
विद, आप ये देखिए भाई, फैन का यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एसी आ रहा है गाड़ी में, और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। फ्रंट पे पावर विंडोज हमें देखने को मिल रही हैं, ये कुछ इस तरीके से सीट्स हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें भाई एडजस्टमेंट्स भी हैं सीट की, और ये कुछ ऐसा हमें यहाँ सेटअप मिल रहा है विद ये लाइटनिंग के साथ में। तो ये है भाई टाटा योद्धा, वहाँ पे ग्लो बॉक्स भी है, एक यहाँ पे ग्लोब बॉक्स है, एक यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड पे ग्लोब बॉक्स दे रखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। आप लोग बताओ कमेंट्स में अपनी राय कि जब ये दिसंबर तक गाड़ी आएगी तो उसका क्या प्राइस होगा। एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच। मैं हूँ संजय सक्सेना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।